डियर एमएससी स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुमन शर्मा, आई थिंक यू आर प्रिपेयरिंग बेटर विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियो लेक्चर्स डिलीवरिंग टू यू. प्लीज नोट द कंटेंट्स ऑफ द मैटर बींग प्रोवाइडेड टू यू एंड लर्न द मैटर डेली. वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट इन ड्यू टाइम. एज यू नो, आई एम टीचिंग यू the oxidation of various functional groups. In this sequence, today we will explain how the oxidation of hydrazines performs. First, we know what are hydrazines. Hydrazine is an inorganic compound with the chemical formula N2H4. It is a simple nitrogen hydride and it is a colorless and flammable liquid with an ammonia like odor, right? It is a structure of hydrazine, right? And ye jo hai, it is ye iska formula humne de rakha hai. It is N2H4, right? Hydrazine is a highly reactive base and reducing agent used in many industrial and medicinal applications. In biological applications, hydrazines and its derivatives exhibit antidepressant properties by inhibiting monoamine oxidase MAO. Right? An enzyme that catalyzes the deamination and inactivation of certain stimulatory neurotransmitters such as norepinephrine and dopamine. In psychiatry, the use of hydrazine derivative is limited due to the emergency of the ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, राइट? तो ये क्या है, इसके यूजेस हैं. बीइंग बाईफंक्शनल विद टू एमीन्स, हाइड्रेजीन इज अ की बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाया कंडेंसेशन विद अ रेंज ऑफ डाईफंक्शनल इलेक्ट्रोफाइल्स विद 2,4 pentane diol. It condenses to give the 3,5 dimethyl pyrazole, right? In Horn-Werner reaction, hydrazines react with imides to give triazole. And hydrazine is a convenient reductant because the byproducts are typically nitrogen gas and water. Thus, it is used as an antioxidant, an oxygen scavengers and a corrosion inhibitors in water boilers and heating systems, right? It is also used to reduce metal salts and oxidize to the pure metals in electrolysis, nickel plating and plutonium extraction from nuclear reactor waste, right? Hydrazine is an inorganic chemical compound with the formula N2H4. ये अभी हमने पहले भी discuss किया है. It is a colorless liquid with an ammonia-like odor and it is derived from the same industrial chemistry process then मैन्यूफैक्चर अमोनिया. जैसे अमोनिया बनाया जाता है, उसी प्रोसीजर को इस यहाँ पर मैन्यूफैक्चर के लिए काम में लिया जाता है. However, hydrazine has physical properties that are more similar to those of water. ठीक है, इसकी जो properties होती हैं वो water से resemble करती हैं. The propanoazine is an intermediate in the अटोफिना पी सी यू के सिंथेसिस, राइट? जो ये है
प्रोपेनॉन एजीन जो है वो इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट का काम करती है. डायरेक्ट एल्काइलेशन ऑफ हाइड्रेजीन्स विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अफोर्ड एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रेजीन्स, राइट. बट द रिएक्शन इज टिपिकली इनएफिशिएंट ड्यू टू पुअर कंट्रोल ऑन लेवल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, इट मीन्स सेम एज इन ऑर्डनरी अमीन्स. जैसे ऑर्डनरी अमीन्स के अंदर रिएक्शन होती है वैसे ही यहाँ पर ये रिएक्शन फॉलो होती है. द रिडक्शन ऑफ हाइड्रेजोन्स टू हाइड्रेजीन्स प्रेजेंट अ क्लीन वे टू प्रोड्यूस 1,1 डाई एल्काइलेटेड हाइड्रेजीन्स, राइट. ये सब आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं. ये इसके सारे जो है वो इसके यूजेस हैं. हाइड्रेजीन्स एनहाइड्रस अपीयर एज अ कलरलेस फ्यूमिंग ऑयली लिक्विड विद एन अमोनिया लाइक ऑर्डर. ठीक है, इसका जो फ्लैश पॉइंट है दैट इज 99 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड एक्सप्लोड्स ड्यूरिंग डिस्टिलेशन इफ ट्रेसेस ऑफ एयर आर प्रेजेंट, राइट. टॉक्सिक बाय इनहेलेशन एंड बाय स्किन एब्जॉर्प्शन. ठीक है, यदि आप इसको स्मेल करते हैं तो ये टॉक्सिक बिहेवियर शो करती है और स्किन में भी इसका जो है ऑब्जेक्शन होता है दैट इज टॉक्सिक इन नेचर. कोरेसिव टू टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस टॉक्सिक ऑक्सीडाइज टू ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग कंबशन. यूज्ड एज अ रॉकेट प्रोपिलेंट एंड इन फ्यूल सेल्स. तो इसका जो है बहुत सारा जो है इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, राइट. अब आते हैं अपन ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रेजीन्स. हाइड्रेजीन्स का ऑक्सीडेशन होने पर क्या प्रोडक्ट बनता है. हाइड्रेजीन्स आर वेरी ससेप्टिबल फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. जो हाइड्रेजीन है उनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही सरलता से या बहुत ही तत्परता से होता है. मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रेजीन रिएक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट सच एज क्यूप्रिक एंड फेरिक आयन टू गिव अनस्टेबल एजो कंपाउंड्स, राइट. इट इज अ एजो कंपाउंड्स विच डिकम्पोज विद द लॉस ऑफ नाइट्रोजन टू हाइड्रोकार्बन. यहाँ पर जो है इसमें से नाइट्रोजन निकल जाती है और हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर हम यदि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो हाइड्रेजीन की बात कर रहे हैं इसके अंदर जो है कोई इस तरह का हम ऑक्सीडेंट काम में लेते हैं जैसे कि वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट सच एज यहाँ पर हम क्यूप्रिक आयन या फेरिक आयन काम में लेते हैं तो इनिशियली हमको अनस्टेबल एजो कंपाउंड मिलता है और ये जो है फिर डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन जो है निकल जाती है और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, राइट. अब यहाँ पर हम देखते हैं एराइल हाइड्रेजीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड डिफरेंटली. जो एराइल हाइड्रेजीन्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन है वो अलग तरह से होता है बाय टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट. यहाँ पर हमने वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट की बात करी थी, यहाँ पर हम टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट लेते हैं. वो क्या हो सकते हैं, सच एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ठीक है, टू जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट क्या है यहाँ पर, क्लोरीन एंड ब्रोमीन टू गिव डाइजोनियम सॉल्ट, राइट. इस जब हम ये टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट लेते हैं किसी भी एराइल हाइड्रेजीन के ऑक्सीडेशन के अंदर तो हमको डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है. इसको हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं, राइट. ये यहाँ पर हमने रिएक्शन शो कर रखी है. ठीक है, यहाँ पर इट्स अ हाइड्रेजीन, ठीक है ना, एराइल हाइड्रेजीन और इसकी जो प्रेजेंस है जब टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट इट मींस क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो ये डाइजोनियम क्लोराइड फिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है और 3 moles ऑफ HCl निकल जाता है. एंड सेम रिएक्शन इज फॉलो विद ब्रोमीन Br2. तो यहाँ पर क्या है, ब्रोमो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है एंड 3 moles ऑफ HBr निकल जाते हैं, राइट. अब यदि हम NN डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रेजीन्स की बात करें, ये तो क्या थे आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रेजीन्स थे, अब यदि हम डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रेजीन, राइट, ये दो यहाँ पर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो क्या होता है.
एन एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन गिव एजो कंपाउंड्स रेडियली। यहाँ पर भी हमको डाइजोनियम सॉल्ट मिल रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये स्लो होता है इन कंपेरिजन टू दिस प्रोसेस। यहाँ पर हमको तुरंत यानी जल्दी से ही जो है वो एजो कंपाउंड्स मिल जाता है, ये रिएक्शन फास्ट होती है। यहाँ पर ये रिएक्शन हमने शो कर रखी है, इट इज़ अ एन एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन, इट्स रिएक्ट विद एच जी ओ इन प्रेजेंस ऑफ एच जी ओ इज़ अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर एजो बिस आइसो ब्यूटाइल नाइट्राइल, इसको हम ए आई बी एन का भी नाम देते हैं, तो ये एक एजो कंपाउंड बन जाता है और इट इज़ अ रैपिड रिएक्शन, राइट। तो ये जो है हमने आज हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है, अंडरस्टैंड। थैंक्स स्टूडेंट्स।